दिखेगा। और बताएं आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री प्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की, इसमें स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव सभी मौजूद हैं और जानी माने हस्तियां डॉक्टर्स मौजूद हैं इस बैठक में। और कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, और पहले से राज्य सरकार सतर्क है, तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावे और इसके प्रसार पर रोकथाम लग सके और क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है एक अहम बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद है, मुख्य सचिव है, स्वास्थ्य सचिव है और तमाम चिकित्सक जानी मानी जो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य मकसद ये है कि कोरोना के प्रसार पर कैसे रोक लगा सके। सरकार तमाम एहतियात बरत रही है, तमाम तरह के उपाय और इंतजाम भी किए गए हैं, प्रशासन भी सतर्क है, बावजूद इसके अगर कुछ कमी है क्या और बेहतर किया जा सकता है, इन सब को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो एक अहम बैठक, प्रोजेक्ट भवन से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ये बैठक चल रही है। और देखिए यहां पर इस बैठक के दौरान भी ये समझ सकते हैं कि यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, दूरियां हैं, सभी जो यहां पर मौजूद हैं उनके बीच की दूरियां आप समझ सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं इस बैठक में, कई प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ। And then after that, they should be sent to either quarantine
एंड और शुड बी टेस्टेड फॉर वायरस इधर क्वारंटाइन और शुड बी टेस्टेड फॉर वायरस एंड मेरी गुजारिश होगी हमारे अस्पताल के विभिन्न डॉक्टर्स से दैट द पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे डिस्चार्ज होने के लायक रहे उनको तुरंत डिस्चार्ज करना चाहिए दो चार दिन भी डिले नहीं करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में दी आईसीएमआर ने कहा है कि प्रोबेबली दी किट्स आर इजीली अवेलेबल और हम हर जगह कर सकते हैं तो सरकारी के अलावे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में किट्स मिलने चाहिए इजीली मिलने चाहिए और इट शुड बी अलाउड टू ऑल द प्लेसेस फाइनेंशियल सपोर्ट पे अगर हम इसको आयुष्मान से जोड़ सकें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड प्रोबेबली ट्रीटमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन है सर जैसे कि नोटबंदी के समय हुआ तो हम लोग हर जानकारी व्हाट्सएप से ही क्यों लेते थे वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक वे टू गेट दी इंफॉर्मेशन पुअर कम्युनिकेशन जैसे आज का भी जो मीटिंग हुआ सर द कम्युनिकेशन वाज वेरी पुअर वी डिडंट नो एंड समबडी सेड दैट यू हैव टू गो सो वी वर रेडी एंड देन वी केम हियर बिकॉज़ दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो कम्युनिकेशन के लिए भी कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए इस तरह से बटा होना चाहिए कुछ 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 क्षेत्र के कुछ लोग लोग आगे आए एंड दे शुड बी एबल टू लीड द प्लेस एंड दे सेड दैट दे कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक और बात सामने आती है सैलरी टू द स्टाफ हमारे बहुत सारे स्टाफ सोचते हैं कि अब तो छुट्टी का समय आ गया है और जनता कहती सरकार कहती है कि सबको पेमेंट दो तो ये कैसे होगा सर हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आर वेरी 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 हाई और ऊपर से इनका सैलरी देना पड़ता है और इफ दीज पीपल दे डू नॉट कम एंड दे टेक इट एज अ हॉलीडे यू कांट अफोर्ड टू पे देम यू कांट अफोर्ड टू पे देम एंड हॉस्पिटल मींस लॉट ऑफ पीपल प्लम्बर भी हॉस्पिटल के हैं अगर प्लम्बर नहीं रहेगा हॉस्पिटल का नल लीक करा तो नहीं चलेगा इलेक्ट्रिशियन भी है हमारे वो भी उतने ही जरूरी है तो जितने भी मैन पावर जो है अटैच हॉस्पिटल से मेरा सुझाव होगा कि उनके आवागमन के लिए सुविधा के लिए शायद एक व्हीकल में जो लाइक यू नो समथिंग लाइक ऑन हॉस्पिटल ड्यूटी अगर ऐसा कुछ लगा रहे तो उनकी आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं हो धन्यवाद सर सर आई एम डॉक्टर भारती कश्यप आई एम चेयरपर्सन विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर कश्यप ने कहा कि अस्पताल सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं और जैसा कि हम लोगों को सुनने में हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली में 118 जो हमारे पूरे देश में डायग्नोस्टिक लैब्स हैं सरकारी उसके अलावा 22 डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जिनको कि आईसीएमआर ने अप्रूव किया है तो सर अगर झारखंड में भी वैसी सुविधा होगी तो अस्पताल के लोग के जो सारे कर्मचारी हैं अस्पताल के जो ओनर्स हैं वो उसको उसका टेस्ट करा सकते हैं कोरोना के लिए तो ऐसी ताकि रिम्स पर कोई ज़्यादा भार नहीं पड़े और हर प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक हॉटस्पॉट है वो अपने अपने कर्मचारियों का टेस्ट करा सके थैंक यू सर एक बात और बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ केरल ने निकाला है स्ट्रेटेजी ऑन ईजिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ये करीब 29-30 पन्ने का है उस गवर्नमेंट का निकाला काफी अच्छा है और इसको फॉलो किया जा सकता है एंड यू कैन मॉडिफाई द वे यू वांट इट ये बहुत बहुत ही अच्छा है सर मैं डॉक्टर इकबाल सीएमओ एमडी अजमेर साहब थोड़ा सा आपका मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा मैं थोड़ा कुछ बात थोड़ा सा आगे आप लोग भी बोल पाएंगे क्योंकि मैं बात बोलूंगा तो फिर हो सकता है कि उसके बाद आपको भी हमारी बात पर कुछ सुझाव देना पड़ सकता है तो ये रिपीट हो सकती है थोड़ा सा मैं शुरुआत कर देता हूँ महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित राकेश साहब के विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र के आप सभी महानुभाव को मैं यहाँ अपने ओर से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में आज इस संक्रमण के समय में हमारे इस बैठक में शामिल हुए क्योंकि हालात ही ऐसी है कि आज कहीं ना कहीं इस संक्रमण में
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों के बगैर ये लड़ाई नहीं गड़ी जा सकती है। और हमारे राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है मुझे ये बताने की आवश्यकता है। हम लोग कई मायने में हम लोग संसाधन के मामले में भी कमजोर हैं, पीछे भी हैं, क्योंकि राज्य हम लोगों का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है और हम लोग अपने सीमित संसाधनों में जितनी भी तैयारी हो रही है कुल मिलाकर के समझ रहे हैं कि जो क्षेत्र आज के दिन में भरपूर है आने वाला समय में वो क्षेत्र बढ़ेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य सेवा। सामाजिक सुरक्षा की हम लोग ने पूरी व्यवस्था कर ली है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं थोड़ा सा चिंतित भी हूँ और इसी चिंता को दूर करने के लिए आज आपसे ये सहयोग मांगने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की जो कदमें हैं, सरकार जिस पर आगे बढ़ रही है वो प्रयास सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम ये भी चाहेंगे आप लोग से भी आप लोग सरकार का इसमें भी एक ये दें कि सरकार जिस तरीके से आगे इस संक्रमण में बढ़ रही है सीमित संसाधनों के साथ हम ये जंग लड़ रहे हैं और एक बेहतर मैनेजमेंट होने की वजह से मैं आज कह सकता हूं कि ये राज्य हम लोगों का लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ है। सब लगभग एक जिला को छोड़कर सभी जिला कोई ना कोई राज्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में लॉकडाउन को मजबूती से लगाना या लागू करना बड़ी चुनौती थी। हम लोगों ने ये काम किया और आज इसी तरह वजह है कि आज हम लोग के पास कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम ऐसा क्यों है कि टेस्ट कम है तो हमारे पास मरीज कम, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कल को अगर कोई आदमी कोरोना से संक्रमित है भी या कोई और भी बीमारी से संक्रमित है भी तो उसको अस्पताल में तो आना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से रिकॉर्ड भी अभी हम लोग के पास इस तरीके के नहीं के बराबर, बहुत कम संख्या। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजें थोड़ी सी अभी स्थिति सामान्य, वैसे भी हमारा अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 85-90% लोग ग्रामीण क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र स्वभाग कहिए दुभाग कहिए जो भी हो हमारा ये राज्य पठारी प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारा ऐसा है, हमारा टेरेन ऐसा है जिसके वजह से हम लोगों का जो रूरल एरिया है पहले से ही आइसोलेटेड, वहां के गांव भी बहुत दूर दूर घरे सब होती है और वहां का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वहां बाय डिफॉल्ट अभी अपने स्तर पर ठीक। ये प्रॉब्लम अर्बन एरिया में हमारे साथ ज्यादा चुनौती दे रहा है या देगा भी क्वेश्चन और लॉकडाउन के बाद अभी तो हम लोग बहुत ये नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कि समस्या हमें एक डेढ़ महीना के बाद और ज्यादा तकलीफ देगी जब ये लॉकडाउन खुले। आपको जानकारी के लिए हम थोड़ा बता देना चाहेंगे आज हमारे राज्य में राज्य के लगभग 7 लाख मजदूर
दूसरे राज्यों में फंसे हैं और वो वहीं पर फंसे हैं जहां इस देश में सबसे अधिक संक्रमित लोग महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर सबसे दिल्ली, इन सब जगहों पर सबसे अधिक हमारे मरीज मरीज के मजदूर। लॉकडाउन खुलता है तो एक बार आ जाता है। ऐसे स्थिति में हम आज खुले महीने भर के बाद हो तब हमें चुनौती उस समय हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। हम इस विषय को लेकर के भी पहले से ही हम लोगों ने कुछ कमेटियां बनाई हैं और हर दिन कुछ नए निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का भी निर्णय हमारे लिए अभी आज के दिन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप लोगों का जो महत्वपूर्ण सुझाव है उन निर्णयों को नोट डाउन करते हुए आगे के इस महायुद्ध में कैसे आप लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो इसको भी ये तय करेंगे ताकि सब मिल करके हम लोग आगे बढ़े। आपको मालूम है हम लोग के राज्य में अभी PCR मशीन जो टेस्टिंग व्यवस्था है बहुत लिमिटेड, वो कैसे हम लोग उसको मीट करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा आपको हमारी जो अभी चल रही व्यवस्था में क्या आपको सही लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव की भी आपको महसूस होती है, ये भी थोड़ा हम आपको उससे जानना चाहेंगे आगे बढ़ा। नमस्ते, मैं डॉक्टर इकबाल कंज्यूमर इस्लामी हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर और वहीं धूमपुरी के बगल में जो हॉस्पिटल है मैं खुद धूमपुरी जा रहा हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो जोर जैसे चीजें नहीं हुआ और शुरुआत में यहाँ बहुत क्रॉस हुआ लेकिन बहुत अच्छा प्रयास थे हमारे इस्लामिया के सोशल पुलिसिंग हम कहेंगे जो शासन के लोगों के साथ मिलकर तो इस तरह से काम हुआ किया तो बहुत हद तक पूरे एरिया में कंटेनमेंट के काम काफ़ी अच्छा हो गया और अभी भी जो है वहाँ जो स्क्रीनिंग के काम चल रहे हैं और जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है उसमें पूरा प्रोफेशनल अब सारे लोगों का मिल रहा है। इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कलीग से अभी बताया ये कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा है और बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन में हो रहा है, मुझे जानकारियाँ मिल रही हैं तो शायद इस कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा सा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं कल बता रहा हूँ कि यहाँ रांची में करीब करीब 5-7 डायलिसिस सेंटर्स और उन डायलिसिस सेंटर्स में ऑब्वियसली वहाँ नहीं करना चाहिए जब तक जो है कोई भी डायलिसिस में जा रहे हों तो उनका अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता और इस तरह से जो है उन लोगों को जो है वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है वो 7 बजे से लेकर के 2-2.5 बजे तक बैठे रहे हैं भूखे प्यासे, उसके बाद उनको विभिन्न जगह घुमाते हुए किसी एक स्पेसिफिक जगह में उनका फिर कलेक्शन लिया गया। सर ये मैं तो बताना चाहूँगा कि किडनी पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल ऐसे ही कमजोर होता है, काफ़ी कमजोर होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो इस तरह से घूम करके तो उसको जो है तो कोरोना से तो बाद में उसका डेथ होगा नहीं तो उसको फिर कितने को जो है वो कोरोना ही हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने कहा दूसरी बात है कि 7 लाख लोग इसका साइड इफेक्ट के बारे में भी ठीक आपने कहा सोचना चाहिए होगा हमको, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो वो क्वारंटाइन जरूर करना चाहिए। आपके बॉर्डर्स जैसे सील हैं बहुत अच्छी बात है कि अभी तो मोहल्ला मोहल्ला सील कर दिया गया है, हिमपीढ़ी से बहुत मुश्किल से मैं निकल के आ पाया हूँ, कहने का मतलब है कि ये काफ़ी अच्छा से ये लॉकडाउन का प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उसको जब आते हैं लॉकडाउन खुलता है तो सबको क्वारंटाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी रांची में भी देखे हैं कि हेल्थ हाउस के बारे में भी और लेकिन जगह के बारे में भी क्वारंटाइन के बारे में बातें आई हैं, उसको चालू किया जा सकता है। और यहाँ तक इस पर हम डॉक्टर्स का सपोर्ट की बात है, खुले दिल से सब सारे मेरे कमजो वाले कह रहे हैं कि सारे लोग जो है बहुत मुस्तैदी से इसमें जुड़े हुए हैं और जरा से करना चाहूँगा सर क्वारंटाइन जो है उसका 14 दिन का जाना चाहिए, 5 दिन से नहीं बल्कि वो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन, मैक्सिमम 14 दिन का है।
ऐसे दो से साढ़े पाँच दिन में जो है क्लिनिक एवरेज है, लेकिन 2 to 14 days का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो मैक्सिमम 14 days तक डॉक्टर या फ्रंट लाइन को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उसके बाद उसको पुनः इसमें लगाना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नाजरपुर सेंटर का प्रोफेसर हूँ। सर मैं दो चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो सुरक्षा, सुरक्षा काम करने के लिए उस कंडीशन में डॉक्टरों को काम करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट से लेके चाहे जिस तरह की भी उस दायरे में आती हो, जैसे कि पीपीई हुआ या मास्क हुआ या हॉस्पिटल का इक्विपमेंट्स हुआ, इस चीज़ पे सर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नंबर दूसरा कि और जो जिस माहौल में क्वारंटाइन या किसी केस के लिए जो डॉक्टर जाते हैं या पारा मेडिकल स्टाफ है, उसकी सुरक्षा, ये दो चीज़। और तीसरा कि अब टेस्टिंग का दायरा नंबर ऑफ टेस्ट जिस भी विधि से हो नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। आज समथिंग जिससे सर, मैं डॉक्टर विजय मिश्रा मेडिकल काम करता हूँ। जब हम लोग बात कर रहे हैं एक की करंट क्या सिचुएशन है और दूसरा फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है, तो करंट सिचुएशन में अगर बात करें तो हम लोग जो भी कुछ चल रहा है रिगार्डिंग पॉजिटिव पेशेंट्स या सस्पेक्टेड पेशेंट्स, वो सारे के सारे आज के डेट में रिम्स से ही कनेक्टेड है, या तो वहाँ टेस्ट करा रहे हैं या वहाँ भर्ती हो। और फ्यूचर में की जो हम तैयारी कर रहे हैं वो दैट डिफरेंट हॉस्पिटल्स। हम लोग यहाँ मेजोरिटी जितने भी लोग बैठे हैं, लॉट ऑफ अस आर प्राइवेटली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के पास कोई पेशेंट नहीं है। आज के डेट में सारा का सारा लोड, चाहे वो टेस्टिंग का हो चाहे वो इलाज करने का हो, वो रिम्स के हो। इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है कि हम रिम्स के जो सिस्टम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, द टेस्टिंग फैसिलिटी, द मैन पावर, द नर्सिंग, द आइसोलेशन, द क्वारंटाइन फैसिलिटी, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है आज। एट द सेम टाइम सर, सिस्टम्स कैसे नहीं काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी आपने कल सुना होगा कि डायलिसिस सेंटर में एक पॉजिटिव पेशेंट आ गई, एनपीडी की महिला थी, उसके बाद वो डायलिसिस सेंटर बंद हो गया, वो डायलिसिस सेंटर का स्टाफ दूसरे हॉस्पिटल में भी काम कर, उस हॉस्पिटल को भी टेम्पररी डायलिसिस सेंटर को बंद करके क्लीन डिसइंफेक्ट वगैरह करना। आज सर एक पेशेंट आया हमारे अस्पताल में एक पेपर लेके कि हमको डायलिसिस करना। उसके पेपर में लिखा हुआ था कि पहले उसने इन द पास्ट प्राइवेट में डायलिसिस कराता था, वहाँ से उसको रिम्स भेजा गया कि कोविड टेस्टिंग करें। वो 4 तारीख को रिम्स गया कोविड टेस्टिंग करें। कोविड टेस्ट के बाद उसको एडवाइस किया हुआ रिम्स से होम क्वारंटाइन, और आज वो आया हमारे पास डायलिसिस करा। 4 तारीख को हुआ, उसके पास रिपोर्ट नहीं है वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको एडवाइस किया हुआ होम क्वारंटाइन। अब एक रेगुलर डायलिसिस का पेशेंट अगर होम क्वारंटाइन में जाए तो वी नो कि चाहे कोविड से मरे चाहे डायलिसिस से मरे, डेथ इज इनेविटेबल। सो वहाँ पे अगर रिम्स में सिस्टम्स को रोबस्ट करने का जरूरत, हमको वापस से इस पेशेंट को रिम्स भेजना पड़ा कि भाई आपकी टेस्ट हो रखी है पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कुछ तो लाते लोगे, इफ़ यू गिव नेगेटिव विल टेस्ट। सो सर दैट हैज़ टू बी, मतलब रिम्स के ऊपर फोकस बढ़ाने की जरूरत। नाउ रिम्स में सर अगर टेस्टिंग की बात करें तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वी आर डूइंग एट द मोस्ट 96 स्वाब टेस्टिंग इन द डे एट द मैक्सिमम, विच इज मच लेस एज कम्पेयर टू जो जनता एक्सपोज हो चुकी है। तो सर गवर्नमेंट ने अभी एक सीरोलॉजी टेस्टिंग की बात की, विच इज़ अ प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट स्वाब के पहले, जिससे वैसे लोग जो लोग सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है मैं सिम्टम नहीं है लेकिन काम करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे डॉक्टर कलीग्स जो कि किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए होंगे, उनको सिम्टम नहीं है लोग के, बट हम उसका स्प्रेड कर रहे हैं। सो दैट सीरोलॉजी टेस्टिंग इज बेसिकली ब्लड टेस्ट, 20 मिनट 25 मिनट की टेस्ट रिपोर्ट सामने होती है, 1000-1200 रुपये का टेस्ट है। आई थिंक हम जो छुपे हुए हमारे केसेस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सीरोलॉजी टेस्टिंग, चाहे वो सरकारी सिस्टम में कराएं चाहे प्राइवेट में कराएं,
आई थिंक दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट एडिशन टू आर ये बात अगर करें कि जैसे एक सजेशन कर
जिसकी और जैसा अभी जो किसी ने कहा कि ये फ्री टेस्ट आईजीजी टेस्ट आईसीएमआर ने रिकमेंड कर दिया कि ये किया जा सकता, ये बातें पहले से चली आ रही थी लेकिन रिकमेंडेशन अब हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पहले से चली आ रही है। आईसीएमआर लेट से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अलग विषय है। हम लोग चीजों पर थोड़ा सा अपने इंजीनियरिंग सिस्टम से अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं, अगर हम लोग ये सर ये तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो लोग कर रहे हैं और फिजिशियन जो ट्रीट कर रहे हैं वो बैठ के डिसाइड करें, इसका एक कोई अगर जिससे करिए रोड मैप या करिए पॉलिसी एडॉप्ट कर लें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैंने तुरंत ही डिस्कस किया था, तो वो लोग क्या बताते हैं, वो लोग कह रहे हैं जब तक आईसीएमआर से नहीं मिलेगा हम इसको नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको ये हो गया है कि आप प्राइवेट लैब सब भी आप ऑपरेशनल नहीं हो सकता है, इस सब्जेक्ट में जो पीसीआर मशीन वो भी नहीं चला पाएंगे था आपको करने का, जो हमारी इच्छा थी कि हम लोग अधिक से अधिक लैब सर ये समस्या तो है कौन सा टेस्टिंग को लेकर सभी तरफ बहुत एक लोगों के मन में है कि भारत में पूरे टेस्टिंग क्यों नहीं हो रहे हैं, राज्य में भी यही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ, अभी दो दिन पूर्व आईसीएमआर ने जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसका अप्रूवल दिया है और राज्य सरकार ने 1,00,000 टेस्ट किट ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो एक इम्पोर्टेंट आइटम है। और इसके कुछ एक्सपीरियंसेस क्योंकि ये चाइना से ही बन के आते हैं उसको लेकर कुछ देशों में इश्यूज भी हुए हैं कि डुप्लीकेट सामान गया है, फिर भी चूंकि आईसीएमआर ने भी रिकमेंड किया है और आईसीएमआर ने खुद भी 1,00,000 टेस्ट का ऑर्डर दिया है तो उसी ब्रांड और उसी मेक को हम लोगों ने भी ऑर्डर किया है। There is no bar or any private hospital ordering these tests. So private hospitals को चाहिए कि आप जो suppliers हैं उनसे कृपा करके आप ये antibody testing kits ले सकते हैं, number one. Number two, there is a question about this RT-PCR machine, जैसा सर ने कहा pooling. ये एक सर ऐसे बहुत सारे लोग सुझाव कुछ कुछ देते जा रहे हैं अभी और उस पर प्रत्येक बार वो लोग विचार करके फिर एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो pooling पर भी हमको लगता है थोड़े ही समय में हम लोग कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। एज ऑफ डेट कंफर्मेशन टेस्ट के लिए पीसीआर ही यूज करते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट का भी अगर आप पूरा वो मैट्रिक्स देखेंगे कि नेगेटिव का क्या मतलब है पॉजिटिव का क्या मतलब है तो आप देखोगे कि फाइनली आप पीसीआर पर ही जाओगे, तो वो एक जस्ट एक प्रिजम्प्टिव टेस्ट है तो उसका डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑलमोस्ट निल है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल यू आर फ्री टू यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। और जहाँ तक प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करने की बात है और प्राइवेट लेबोरेटरीज दे रिक्वायर NABL एक्रीडेशन टू स्टार्ट द टेस्टिंग, इसके चलते अभी तक TMH की लेबोरेटरी को भी अप्रूवल नहीं मिल सका है। इस पे आई जस्ट हैव टू ऐड समथिंग, एज यू सेड कि एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन डू इट राइट, और जो उसका मैट्रिक्स है बोलता है कि अगर नेगेटिव भी आता है इसीलिए यहाँ पर सिम्टम्स है सो द पेशेंट्स मस्ट गो एंड गेट अ RT-PCR, इसीलिए मैंने कहा वी विल बी सेंडिंग दोस पेशेंट्स अगेन टू रिम्स। मैं वही आपको कह रहा हूं कि नेट रिजल्ट में वो फाइनली RT-PCR पर ही आ रहा है, आप टेस्ट पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो। नहीं सर, जो नॉन सिम्टोमेटिक है एसिम्टोमेटिक लोग है देयर इट इज अ रिक्वेस्ट टू अगेन देयर इज अ स्पेसिफिक विंडो फॉर दैट टेस्ट टू बी यूज्ड, इफ आई एम नॉट वन डे इवन वन डे बिफोर और आफ्टर दैट विंडो दैट टेस्ट विल नॉट गेट एंट्री सर, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। So, बहुत ही प्रिवेंटिव डायग्नोसिस उससे निकल सकता है, उसके बिना कुछ और भी नहीं है, फिर भी मास्क स्क्रीनिंग के लिए हम लोग उसको यूज करने जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेटली हमारे चारों पेशेंट टोटली असिम्प्टोमेटिक। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल से तीन चीजों के लिए मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सर लोग मास्क लगा के रूम में पता नहीं चल रहा है कि कहां से बोल रहे हैं। एक चीज है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिस्पोजेबल केमिकल्स एंड इम्प्लांट्स, कुछ चीजें अवेलेबल है लेकिन उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, अगर प्रोक्योर कर सकते हैं दे वी आर एबल टू गेट इट एट ए हायर प्राइस रेगुलर प्राइस, तो दे वुड ऑलवेज ब्लैक मार्केटिंग। सेकेंडली द पेमेंट ऑफ आवर स्टाफ, पेमेंट जो पॉसिबल हमारे रिसोर्सेज से है वो हम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो जो इंश्योरेंस सेक्टर है जिनसे टाइप है उन्होंने बहुत लंबे समय से पेमेंट नहीं दिया है, क्या इसमें हम उम्मीद करें सत्ता से और एडमिनिस्ट्रेशन से
कि वो हमें रीपेमेंट में हेल्प करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य और जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ईएसआई, ईएसआई इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर। मेरे हॉस्पिटल में अराउंड 80 लाख ड्यू है फॉर लास्ट टू ईयर्स। तीसरा कि हमारे अस्पताल के आसपास बहुत सारे इलीगली ऑक्यूपाइड स्पेस है विच इज डर्टी एंड हार्मफुल टू दी सोसाइटी। क्या इस फोरम के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस संदर्भ में भी हमें हेल्प मिलेगा? कहाँ लोकेशन है आपका? श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल रेडियम रोड एसपी ऑफिस के सामने। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गांधी मंदिर से हूँ। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है कि जो पेशेंट्स आते हैं बच्चे का है, सर्दी खांसी बुखार बहुत कॉमन चीज़ है। जैसा कि इससे केरला हो गया या दिल्ली हुआ, वहाँ क्या किया लोगों ने, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो फीवर क्लिनिक अलग बना दिया, फीवर इमरजेंसी अलग बना दिया। जो भी बच्चे फीवर के साथ आ रहे हैं उसकी हॉस्पिटल में जाए। जैसे भी गंगाराम में हुआ वो पूरा हॉस्पिटल सील इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका फीवर इमरजेंसी अलग है, फीवर ओपीडी अलग है। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है कि पीपीई का, पीपीई अवेलेबल नहीं है मार्केट में। क्योंकि अगर हम फीवर क्लिनिक चलाना चाहते हैं ओपीडी या इमरजेंसी, तो हमें हर 6 घंटे में चेंज करना पड़ेगा चार चार चार, तो दिन में हमें कम से कम 50 पीपीई चाहिए केवल ओपीडी या इमरजेंसी चलाने के लिए। अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे जो पेशेंट आते हैं सर्दी खांसी बुखार, सबको मजबूरन हमें रिम्स रेफर करना पड़ता है। तो पीपीई अवेलेबिलिटी हो जाए, हम भेजने के लिए तैयार हैं लेकिन हम मार्केट में अवेलेबल नहीं। सिर्फ यह बात एक पीपीई का कोई गवर्नमेंट सप्लाई तो है नहीं, सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास सप्लायर्स की बहुत सारी लिस्ट है, आई विल शेयर इट विथ यू। आई थिंक आप इनको सबको दे दीजिए आप, क्योंकि सबके रेट्स अलग अलग है, सो यू कैन निगोशिएट एंड टाइम विद। हम लिस्ट आपको सबको सप्लाई कर देंगे। एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जान रहे हैं कि ये इस समय जो है सारा लोग सरकार में दे देने से सब कुछ संभव नहीं है। हम लोगों ने आईएमए में एक पहल किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अपने डॉक्टरों से कहा कि आपस में जो है आप कंट्रीब्यूशन से जो फंड इकट्ठा करें और स्वयं जो है वो प्रोटेक्शन किट हो, मास्क हो या जो भी जरूरी हो उसको आप परचेज करें और अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर ज़्यादा हो तो और लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम लोगों ने 2-4 डिस्ट्रिक्ट में तो अभी तक हम लोग कर पा रहे हैं। धनबाद में मेरा हो रहा है, डालगंज हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, गिरडी हो गया, लेकिन बहुत सारे हमारे आईएमए के लोग पूछ रहे हैं कि पैसा तो हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया और लेकिन हम सामान जो मंगाने की बात कर रहे हैं तो बहुत हायर रेट पे लोग कह रहे हैं, बहुत तरह की बट है। तो वैसे स्थिति में अगर गवर्नमेंट साइड से हम लोगों को तो हम लोग खुद जो है आईएमए के लोग जो है इसमें पहल करके इवन इन प्राइवेट सेक्टर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड 50 रुपये लीटर था, 113 रुपये लीटर मैंने प्रोक्योर किया। सर आप लोग अपना फीस पढ़ाए कि नहीं सर कंसल्टेशन की? मैकेनिज्म बनाते हैं अभी हम लोग डिस्कस करने के बाद भी जो चीजें आप लोगों को समस्या आ रही है, जो चीजें महंगी हो जा रही है, इसकी एक इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा हम उसको क्रिएट करते हैं स्पेशल फॉर मेडिकल साइड पे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको तुरंत हम लोग एक्शन लेंगे। और डेफिनेटली आज भारत सरकार का भी ये गाइडलाइन है कि अभी कोई चीज महंगाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है तो फिर कालाबाजारी करने वाले लोग भी इसमें सक्रिय है। सर हम डॉक्टर नीतेश
Hitesh from Hillview Hospital. Just a point regarding home quarantine. So I saw a patient in my OPD who had been given a slip for home quarantine, but they are not being followed. I have a small suggestion कि जहां से भी होम क्वारंटाइन का एडवाइस मिल रहा है वो एक कॉपी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को उपलब्ध करा दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन विल इंश्योर कि वो होम क्वारंटाइन को फॉलो किया जाए. थैंक यू. हाय, मेरा नाम मकर सिंह कुमार है. नमस्कार सर, मैं ऑर्किड में एज ए कंसल्टेंट फार्मेसिस्ट काम करता हूँ. सर, जहां तक लॉकडाउन की बात है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन हमें खुलना ही पड़ेगा जैसा आपने भी बताया, और उसके बाद केसेस हो सकता है. जैसे ही माइग्रेटरी वर्कर्स ये सब जो है वापस आएंगे तो केसेस बढ़ेंगे. कहीं ना कहीं पे हम लोग स्टेज थ्री में एंटर आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे. कम्युनिटी स्प्रेड होने की पूरी पूरी आशंका है. इस चीज़ को समझते हुए जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि हम लोग के पास जो ऑप्शन है RT-PCR जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड मशीन्स हैं. बहुत ज़्यादा टेस्ट हम लोग कैरी आउट नहीं कर सकते. अभी 96 टेस्ट सिर्फ हम लोग प्रतिदिन कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ा पाना सर मे बी 100 या 200 हम लोग कर पाए. जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल हैं, मेजोरिटी ऑफ जो बर्डन है पेशेंट लोग हैं उनके पास भी है. कहीं ना कहीं पे कोविड से एसोसिएटेड स्टिग्मा भी है. बहुत सारे पेशेंट लोग हैं जिनको कुछ सिम्टम्स होता है, वो लोग आपके रिम्स में जाने से कतराते हैं. वो लोग नहीं जाना चाहते, उनको लगता है कि अगर जाएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. जैसे ही सीरोलॉजिकल टेस्ट दूसरी अवेलेबल हो जाए सारे हॉस्पिटल्स में, कहीं ना कहीं पे एक नोटिफिकेशन का सिस्टम जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होता है कि अगर कोई भी स्पूटम पॉजिटिव आता है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, अगर कहीं भी प्राइवेट सेटअप में अगर मिलता है तो हम लोग उसको गवर्नमेंट बाइंड करती है कि हम लोग उसको नोटिफाई करते हैं. तो उसी तरह से सेरोलॉजिकल टेस्टिंग भी बहुत आसानी से किया जा सकता है. और एक साथ जो आप बात कर रहे थे कि एक साथ 15-16 पेशेंट्स का अगर मिला के कर देते हैं तो सेरोलॉजिकल टेस्ट मैक्सिमम उसमें 1200-1500 रुपये खर्चा होगा. और एक दिन में 20-20 मिनट में हम लोग एक टेस्ट कर सकते हैं. तो मे बी एक दिन में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट कर सकते हैं. और उसका बर्डन सरकार के ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइवेट पार्टी जितने भी हैं, जितने भी NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं जो कि रांची इलाके में कई सारे हैं, वो लोग खुद से टेस्टिंग किट एक्वायर करेंगे और वो करना शुरू भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से. तो मेरा बस इतना कहना है कि उसमें एक सिस्टम पहले ही बना दिया जाए, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली कन्फर्म जो करना है वो RT-PCR से करना है. तो उसका एक नोटिफिकेशन सिस्टम बना दिया जाए कि अगर कहीं पर भी सपोज मेडिका में या ऑर्किड में या किसी भी लैब में अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनका डिटेल्स टेस्ट करने के पहले ही हॉस्पिटल अपना लेने के आधार कार्ड नंबर या उनका एड्रेस ये सब हमें नोट करके रखती है. एंड जैसे ही आता है तो हम लोग एक गवर्नमेंट को नोटिफाई करते हैं. एंड गवर्नमेंट फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पेशेंट को ट्रेस आउट करके एंड फिर उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर सकते हैं. इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट है कि ऑल RT-PCR टेस्टिंग हैज टू बी अपलोडेड ऑन द ICMR पोर्टल. देयर इज अ नेशनल फिर इसमें मे बी ये हम लोग की रिम्स के साथ हम लोग कहीं ना कहीं पर टाइप कर सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से कर सकती है इसमें कुछ कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हो. क्योंकि जैसे ही ये हो जाएगा कि आपको हर डेटा जो है आपको ICMR पे अपलोड करना है तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं पहले ही पीछे हट गए कि हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इतना ज़्यादा हम लोग झंझट मेला नहीं लेंगे. तो ये कहीं ना कहीं पर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से हेल्प जो है वो स्टेट गवर्नमेंट. I have one more point, sir. Sir, हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक प्रिवेंशन टेस्टिंग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे डायग्नोसिस PPE सर. अगर पेशेंट्स हमारे पास आने लगे और स्टेज थ्री ट्रांसमिशन होने लगे तो महाराष्ट्र और केरला और बाकी जगहों की तरह वी आर एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स. उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? एज फार एज आई अंडरस्टैंड वी हैव 100 सेटअप इन रिम्स जिसमें से 20-25-30 ICU बेड्स होंगे, बाकी नॉन ICU बेड्स. उसके अलावा 12-25 हॉस्पिटल विच इज लाइक अराउंड 40 बेड्स विद 100 ICU हैव बीन डेवलप्ड एंड रेडी. आई थिंक सर हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अंदर 100-200 बेड और भी तैयार करके गवर्नमेंट तैयारी करके रखे, क्योंकि जब वो क्राइसिस आ रहे हैं उस टाइम तैयारी करने का रखें. मेजर प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पर ऑफिस एंड अब वहाँ पर भी करेक्ट बात हमारा है ऑफिस की जो आपको रखा कहीं पर जमीन को अपराधी की तरह बहुत जगह पर हमारा जो मजदूर है या फिर आपको देख रहा है हर क्वारंटाइन को जेल की तरह से समझा जा रहा है. हम लोग एक चलाएँ और हम लोग सब टीवी की लड़ाई लड़ चुके हैं, पूरे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उसी का ये बड़ा रूप है चाहे आदमी रूप है.
उसको उधार के साथ रहे तो ये उधार के साथ रहे उसको अच्छा देते हैं तो उसको जेल में ना लगे तो भागना चाहता है किसी से भागना है किसी के हाथ तीन गाड़ी पुलिस चला जा रहा है सुना मांगा भागा जा रहा है तो आकर उनको जो वधीर है वो अपराधी नहीं ये कहना था कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया इंडिविजुअल प्रॉब्लम अपने अपने हॉस्पिटल के इंडिविजुअल क्या इतने सीनियर डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए कैन वी सजेस्ट समथिंग टू द गवर्नमेंट अबाउट द पेड ऑफ लॉकडाउन द मेन इशू हम लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि लॉकडाउन खत्म करना चाहिए या नहीं खत्म करना और जब खत्म करेंगे तो फिर कैसे करेंगे जो कि वो
उसके लिए कहीं से तैयार नहीं है। तो आज प्रिवेंशन ही बेस्ट है हमारे पास, ये हम लोग सब जानते हैं। तो इसको लेके लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाने ही सबसे बेस्ट है। और अगर मतलब थोड़ा सा एग्जेजरेटेड फॉर्म में हम बोल रहे होंगे शायद, तो अगर हम लॉकडाउन को अगर थोड़ा और स्ट्रेंथन करें, हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाए लॉकडाउन, तो हम उसको कर्फ्यू में कन्वर्ट करें। पर यहाँ लॉकडाउन मई के एंड तक रखना, ये बेस्ट पॉलिसी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं। हम ब्रिम्स पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। हम कहीं भी देंगे वो सिस्टम फेल हो जाएगा, हम ब्रिम गेम में आ जाएंगे। तो बेस्ट तो है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और प्रिवेंशन पर हम ज़्यादा फोकस करें। अभी हम जो कर रहे प्रिवेंशन से लॉकडाउन बहुत सक्सेसफुल है, बट स्टिल हम इसको और एक्सटेंड करें और इसको सक्सेसफुली और अच्छा इम्प्लीमेंट करें। वहाँ पे ये टेस्टिंग यूजफुल आ सकती है, ये सजेशन हमारे स्टेट गवर्नमेंट से
सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाए और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बड़ा फ्लेजलिंग मेडिकल सिस्टम, अगर एक भी इस तरह का कोई केस हुआ, एक भी अस्पताल दो अस्पताल उड़ गए बंद हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसकी दाम गवर्नमेंट को भी बियर नहीं करनी पड़ेगी। ऑपरेशन काटे 1200 रुपये इसका दाम है और वो बियर कर लेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल मंगा भी सकते हैं बाहर। मुझे नहीं लगता है कि पॉजिटिव अगर कोई केस हो रहा है तो आईसीएमआर की रिपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए और इसको कंफर्म करना, और पॉजिटिव केसेस शुड बी कंफर्म्ड आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर का लोड कम हो जाएगा, हमारे रिसोर्स रीएलोकेशन में ये बहुत बड़ा फायदेमंद चीज होगा। दूसरी पॉइंट में प्रिवेंशन के एस्पेक्ट से बोलना चाहता हूँ कि जब भी लॉकडाउन को रिलैक्स या वो करना है, मेरे ख्याल से कम 3-4 वीक्स तो और करने चाहिए, तो जैसे करेंगे दैट इज अदर, जो लोग आएंगे उस पर ध्यान देना हाउ टू टेक देम इनसाइड द स्टेट। अभी बहुत जगह जो थर्मल स्कैनर है वो एक बेसिक चीज है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर उसके लिए हर एक जगह एक एक आदमी लगाना पड़ रहा है। एक थर्मल गेट अभी आया है, आप जस्ट क्रॉस करो एंड दे विल इंडिकेट इन अ मशीन। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट कि वो क्या चीज़ है, दूसरे स्टेट में यूज हो रही है। दूसरा है वो जो टनल ऑफ स्टेरलाइजिंग टनल, खास करके जैसे सेक्रेटारियट है या हाई फुटफॉल एरिया जहाँ भी है, अगर आई डो नॉट नो कितना सक्सेसफुल है, बट अभी तो क्या वी आर ग्रैपलिंग इन द डार्क कि कुछ तो हमको मिल जाए। तो ऐसे जो हाई फुटफॉल एरिया उसमें ये लगाई जा सकती है। तीसरी चीज़ है लॉकडाउन सक्सेसफुली हो रहा है, लेकिन जो जो एरिया में ऑलरेडी कंटामिनेशन हो चुका है, जो हाई फुटफॉल एरिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सेक्रेटारियट, कलेक्टेरिएट, ऐसे जो जो जगह है, इन सभी जगहों पे कम से कम मैसिव लेवल पे स्टेरिलाइजेशन कैंपेन चालू करना चाहिए। रोड खाली है, सब कुछ खाली है, ये टाइम है स्टेरिलाइजिंग केमिकल जो कुछ भी है उसको यूज करने के लिए। गो अराउंड द सिटी स्टेरिलाइजिंग, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स। तो हम भी अपने यहाँ पे ये पैरेलली शुरू करते थे, लेकिन सब काम को पैरेलली करनी पड़ेगी और सबका थोड़ा थोड़ा अचीव करेंगे तो शायद इसको नीचे बेनिफिट मिल पाएगा। एक तो ये है, तीसरी चीज़ है भी काफ़ी एक जो इशू आया है प्राइवेट हॉस्पिटल से, उनके काफ़ी फंड्स उनके पेंडिंग है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये फंड्स अगर रिलीज हो जाए तो उनको आसान होगा। अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी दिल्ली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, उनको ऑलरेडी एक लेटर लिख के दे दिया हुआ है, ये कल शाम का लेटर लिख लिया कि आप उनको रिलीज करें। तो प्रॉब्ली आज स्टेट गवर्नमेंट कैन टॉक विद देम कि हमारे स्टेट के जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उसको उस लेटर उन्होंने अप्रूव कर दिया है, उस लेटर के आलोक में हम ये रिलीज करवाने का काम करा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल क्रंच है प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो उनका पूरा हो सकता है, तो हमको करना नहीं है, खाली फॉलोअप करना है। तीसरी एक इशू आई है सब लोग के पास में कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रोफेशनल इंडेमनिटी जो डॉक्टर ने लिया हुआ है उसमें से बदमाशी कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कोरोना रिलेटेड कोविड केसेस को हम नहीं कवर करें। तो इस पर एक स्टर्न चिट्ठी जानी चाहिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से टू दी ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कि ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी डॉक्टर्स अगर लिए हुए हैं जो पहले से लिया उसको ऑनर करना चाहिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट बदमाश उसमें इंश्योरेंस कंपनीज बदमाशी ना करें। दिस इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर द गवर्नमेंट हैज अनाउंस फॉर दी एक्स्ट्रा जो भी है वो देने के लिए। ये दो तीन पॉइंट है। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नंबर बहुत कम, खुशी भी लगता है डर भी लगता है, क्यों कम? मैं पॉइंट कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए मे बी आई विल एनलाइटन्ड। सपोज दुमका में गुड्डा में एक केस हो रहा है, उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, उसको ट्रेन कैसे किया गया है, फिजिकल ट्रेनिंग दी गई है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। दूसरी चीज है वो जो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेजोफेरेंजियल स्वाब लेना, अगर किसी ने बकल म्यूकोसा से ले लिया, जीभ या जीभ से टच करके ले लिया, वो नेगेटिव आया। थियोरेटिकली तो सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं, नेगेटिव ही आएंगे, तो नेजोफेरेंजियल स्वाब है शुरू दैट इज वन। उसके बाद अब वो कौन से उससे लिया जा रहा है, मे बी डॉक्टर कलर कि वो जो जो स्वाब का जो वो स्टिक है,
नहीं, दूसरा है एडजस्ट है वो जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है उसकी पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इफ यू कैन अवेलेबल एक किट्स पूरी पैक आती है, प्रत्येक जिला में उपलब्ध करा दी गई है, सभी जिला में एडिक्वेट संख्या में लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का प्रशिक्षण करवाया गया है हाउ टू टेक सैंपल्स। एज ऑन डेट अभी तक 1250 प्लस सैंपल्स का टेस्टिंग हो चुका है, ओनली 5000 काउंट टू बी इनेबल्ड वेयर वी हैव टू डू दी सैंपल। शायद से कि उसमें कोई ऐसा बहुत इशू नहीं है और अपनी सैंपलिंग का भी स्टेटस है ऑलमोस्ट प्रत्येक जिला से लगभग 20-25 सैंपल लेकर के आ चुके हैं हमारे पास। सो दैट पोर्शन इज टेकन केयर ऑफ, इट इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड इन अ कोल्ड चेन, उसका बड़ा बनाया सिस्टम है उसी के साथ वाटर है, अदरवाइज इट विल नॉट सस्टेन। और कुछ हो गया आपको एक गैस प्रिवेंटिव मेजर्स पर काफ़ी बात हो रही है सर, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, तो मेरा एक आग्रह है कि हमारे यहाँ कार यूनिट की बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है सभी जगह करवा दिए नहीं है और हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्यों नहीं हम उनमें जो है वो केमिकल डाल के और मास स्केल पे हम उनका इस्तेमाल करें। आज के डेट में जो वहाँ पड़ी हुई है तो वो एक बहुत उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा और पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस विश्वास आएगा लोगों में। सर लास्ट बट नॉट दी लेस्ट जस्ट आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सीएम एंड द हेल्थ मिनिस्टर, सर बहुत से स्टेट में एक छोटा बड़ी डॉक्टर्स का एडवाइजरी बनाया गया है जो रोज इंटरेक्ट करके आने वाले समय में क्या होगा और उस समय हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो सर से रिक्वेस्ट है कि दोनों को ही मैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है स्टेट को हेड कर रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में नहीं है जो आपके ऑर्डर से चले, तो एक सर बना दिया जाए जो कि डॉक्टर्स का उसमें और जो आपसे 15 मिनट में ही ब्रीफ करे और क्या बहुत कमी सिचुएशन है उसको वो डिसाइड करके बता दे कि अगर 100 से 1000 हुए तो उस समय हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर हुए और जहाँ जहाँ IMA का आपको ज़रूरत पड़ेगा आप खाली हुक्म कीजिए, आप एक कदम हमको करने को आप मांगिएगा हम 10 कदम सर करके आएंगे हम लोग आपके साथ। तो आई थिंक मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप कुछ कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, यहाँ उपस्थित सभी इस राज्य के वरीय चिकित्सकगण, लगभग 15-16 चिकित्सकों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरतापूर्वक एक एक चीज़ को हम और माननीय मुख्यमंत्री जी सुन भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं और आपके सुझाव का आत्मसात भी हम करेंगे। आपने बहुत डॉक्टर अजय सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है कि हम लोग डॉक्टर का एक ग्रुप भी बनाएं और उसको जो है उसके सुझाव को नियमित जो है हम लोग ये करें और हम आपके ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो सरकार को समर्थन और विश्वास देने की बात कही है हम इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम लोग ये विश्वास आपको देना चाहते हैं कि हमारी सरकार चिकित्सकों के भी चेहरे पर मुस्कान लाएगी और उनके चेहरे के मुस्कान से ही हमारी सरकार हमारे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान देखेगी, इसलिए आपके बिना हम इस राज्य के स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों के मान सम्मान के प्रति ये सरकार सजग है सचेत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन मैं ज्वाइन कर रहा था इस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ था कि धनबाद में एक चिकित्सक पर बड़े चिकित्सक पर हमला हुआ है, आप पहले वहाँ जाइए और उनसे बात कीजिए उनके दुख दर्द को समझिए। तो मैं समझता हूँ कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील है, आपके सुझाव बहुत सारे सुझाव आए हैं वो सेफ्टी किट से लेके PPE किट थर्मोस्कैनर वेंटिलेटर और लेकिन सबों का लगभग अभाव यदि हम आकलन करेंगे तो अंतर्गत ये है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत पर और हमको जो है ये लॉकडाउन के सिद्धांत पर ज़्यादा विश्वास करना है ज़्यादा आगे काम करना है। मैं आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वो
हमारी सरकार के दिशा निर्देश और उनकी सोच से हम सभी लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर संजय जी की तरफ से बातें आई। इंश्योरेंस का भी कुछ इशू था, वो बात आया, निश्चित रूप से उसको हम लोग हमारे पदाधिकारी संज्ञान लेंगे। और आप लोगों का जो पेंडिंग विषय है उसको समाप्त करने का काम करने का प्रयास करेंगे। 14 तारीख आखिरी दिन है लॉकडाउन, तेरह तारीख को कोई ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। इस पर आप लोगों के राय सुझाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लॉकडाउन का जो प्रोसेस रहा है, पहले राज्य लॉकडाउन हुए, फिर पूरा देश लॉकडाउन हुआ, वो एक अलग प्रक्रिया थी। और अभी लॉकडाउन खोलना भी एक बड़ी चुनौती होगी पूरे देश में। हम लोग के लिए एक पहाड़ के जैसे, हम लोग के लिए तो बिल्कुल कहा जाए कि अगर वो तीसरे चौथे स्टेज की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तब तो हाथ खड़ा कर देश की स्थिति आ गई। लेकिन सभी चीजों पर हम लोगों का नजर है, हम लोग कैसे लॉकडाउन खोलने नहीं खोलने पर निर्णय लेंगे, इसके लिए सभी चीजों का, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के रोजगार, यहाँ के स्वास्थ्य सेवा, यहाँ हमारी सुरक्षा, सभी चीजों के आकलन बड़ी जल्दी से और बहुत गंभीरता से की जा रही है। और हम लोग निश्चित रूप से राजनीति में जो बेहतर निर्णय होगा इस पर हम लोग काम करेंगे। मैं आप लोगों जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित आपको किसी न किसी कोई प्राइवेट संस्थानों से जुड़े हुए हैं, कोई सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने एक सुझाव दिया है कि डॉक्टरों की कोई एडवाइजरी बना दें। हम वैसे तो हमारा राज्य सरकार का सेक्रेटरी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स पहले से ही कार्यरत है, उसमें से भी कुछ डॉक्टर हैं, या तो हम उसमें और डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दें, या तो ये कमिटी की बात है, अगर वो आप चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपके एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर समूह का नाम आ जाए, तो उन लोगों का ये बता दिया जाए, मामलों की तरफ से ही आप लोग नाम दे दें तो हमारे लिए सहूलियत होगा, ताकि आप लोगों की जो बात है समय समय पर हमारे लिए सुझाव आते रहे। चीजें परिस्थिति बदलती जाएंगी, अभी बहुत तेजी से बदलेगा, जैसे ही लॉकडाउन की खुलेगी नहीं खुलेगी बात को लेकर के अब हमारे पास भी इस तरह की बातें आ रही हैं। पहले तो अभी लॉकडाउन में दूसरे जगहों से जो हमारे कॉल सेंटर फोन आया करते थे, पैसा नहीं है खाने के लिए, हमारी हालत खराब है। अब जब वो सिस्टम पूरी वार्ड बुकिंग में लगी हुई है, आज ये महसूस हुआ हमें कि इस देश का जो फेडरल व्यवस्था है वो कितना स्ट्रांग है। आज हमने कई मुख्यमंत्रियों से बात की, आज हमारे राज्य के लोग सबसे अधिक दूसरे राज्यों में रोजगार त्रास में जाते हैं। आज उन सभी मजदूरों को 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में उस राज्य की सरकारें जाने लगा
अब हमारे पास फोन नहीं आता है हमारे कॉल सेंटर कि अब हमें ले जाने की व्यवस्था की है। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर भी बेचैनी है और स्वाभाविक है, वो आदमी कहीं फंसा है, उनका घर परिवार यहां पर है, हर कुछ चिंता मानव स्वभाव है। अब सरकार ने कैसे निर्णय लेगी वो थोड़ा समय अंतराल पर हमें पता चल पाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हम लोगों के लिए और इस चुनौती के लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार रहे। दस साल रूप से तो हम लोग सरकार से लगातार मांग कर ही रहे हैं, आज भी हमने भारत सरकार को उस पर प्रदर्शित किया है और जो मेडिकल हमें प्राइवेट अस्पतालों में चाहिए अगर कोई एजेंसी नाम है तो सभी डॉक्टरों को वो ये सुविधा कराए ताकि ये लोग भी अपने से ये खरीद सके और अपने अस्पताल को भी सुरक्षित कर पाए। और विशेष हम यहीं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे, हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो आप लोग के सुझाव के लिए हम लोग फिर आप लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, हो सकता है इसमें फोन से बात हो और वही गर्मी की बात वो आप लोग तय कर लें, कुछ लोगों का नाम दे करके आप लोग अपना अगर कोई ये जला दिया जाएगा तो ठीक है। धन्यवाद बताओ।